हेलो दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी आप उसे देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चैन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्मिंग विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में किसानों को फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चैन उत्कृष्टता की स्थापना के लिए बर्मिंग विश्वविद्यालय से समझौता किया गया है। और ये बर्मिंग कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड में पड़ता है। अब जिक्र हुआ था कृषि का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू की गई थी और हाल ही में हरियाणा राज्य को इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि श्रेणी पुरस्कार मिला है। और हाल ही में हरियाणा राज्य को कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 भी मिला था और हरियाणा को श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वीटा कैफे स्थापित किया जाएगा? तो वीटा कैफे स्थापित किए जाएंगे ऑप्शन ए, गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम में वीटा कैफे और रेवाड़ी में हैफेड द्वारा ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। अब जिक्र हुआ था वीटा का, तो हाल ही में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिषद ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए वीटा पे ऐप की शुरुआत की थी। और बात करें हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन की, स्थापना हुई थी 31 मार्च 1977 को और वर्तमान में इसका चेयरमैन है रणधीर सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर नगर वनों का विकास किया गया है? तो इन नगर वनों का विकास किया गया है वर्तमान में ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मुरथल और सांडोर दोनों में। अब जान लेते इसके बारे में। सोनपत के मुरथल में 116 एकड़ है और यमुनानगर के सांडोर में 11.25 एकड़ ज़मीन पर नगर वनों का विकास किया गया है और धीरे धीरे अन्य ज़िलों में भी इन नगर वनों का विकास किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था वन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर पंचकूला में है। हरियाणा में तरु या वृक्ष दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, 2014 से शुरुआत हुई थी। हरियाणा में वन नीति लागू हुई थी 2006 में। हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। सामुदायिक वन योजना 1998-99 में शुरू हुई थी हरियाणा में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना 1989-90 में शुरू हुई थी। प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 को शुरू की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के टीयर 4 में कौन से स्थान पर है? तो इसमें हरियाणा ऑप्शन ए पहले स्थान पर है। अब जान लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श परिषद को सौंपी गई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के टीयर 4 में हरियाणा पहले पर है, फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान है। दोस्तों यहाँ पर टीयर 4 में पहले स्थान पर है, इसमें 6 टीयर बनाए गए हैं, उनके हिसाब से टीयर 4 में हरियाणा पहले स्थान पर है। टीयर यानी कि श्रेणी 4 में हरियाणा पहले स्थान पर है। अब जिक्र हुआ था इंडेक्स का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रहा है और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा तीसरे स्थान पर था और हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में हरियाणा दोस्तों 5वें स्थान पर था, लेकिन लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में हरियाणा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है,
हरियाणा राज्य में ज़रूरतमंद लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? उस योजना का नाम होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री आवास योजना। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा में ज़रूरतमंद लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करेगी। इसकी मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना या फिर निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ये अधिगम योजना भी शुरू की थी। और हाल ही में सीएम ने 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चैन उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो इंग्लैंड के बर्मिंग विश्वविद्यालय के साथ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वीटा कैफे स्थापित किए जाएंगे? तो गुरुग्राम में हैपट के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर नगर वनों का विकास किया गया है? तो सोनीपत के मुरथल में और यमुनानगर के सांडोर में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के श्रेणी 4 में कौन से स्थान पर है? तो श्रेणी 4 में हरियाणा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में जरूरतमंद लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री आवास योजना को। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो हरियाणा की दोस्तों प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन बी 274634 रुपये थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है? तो पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है ऑप्शन ए अंबाला जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रता सिंह को। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो व्यक्तिगत वर्ग में हरियाणा ने ऑप्शन बी 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो मुख्यमंत्री ने दोस्तों ऑप्शन ए समालखा में फहराया था। और जान लेते हैं, जबकि राज्यपाल ने अम्बाला में, मुख्यमंत्री ने दोस्तों समालखा में, उप मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ में और अनिल विज ने रादौर में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किया गया है? तो इस सेंटर की स्थापना की गई है ऑप्शन डी हिसार जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के कितनी यूनिवर्सिटियों में केजी टू पीजी शिक्षा प्रणाली लागू की गई है? तो सबसे पहले 4 विश्वविद्यालय में इसको लागू किया गया है। कौन कौन से विश्वविद्यालय हमें? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अमित पंगाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो अमित ने मुक्केबाजी में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियर एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा? तो इस संस्थान की स्थापना की गई है ऑप्शन डी सोनीपत जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने गौवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहे वर्तमान में? तो हरियाणा में दोस्तों 4 की स्थापना की जा रही है वर्तमान में। और कहाँ पर की जा रही है भी बता देता हूँ, कैथल के केओड में दोस्तों, जज्जर के लकड़िया में, करनाल के उचानी में और महेंद्रगढ़ में स्थापित किए जा रहे हैं। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है? तो इस मंदिर को बनाया गया है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में।
नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कंक्रीट के जंगल में नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया था, ऑप्शन ए डॉक्टर संत राम देसवाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को किस क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था? तो अवार्ड मिला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम और बागवानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में शहरी खेती एक्सपो व पुष्प उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन ए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला है ऑप्शन ए सतीश कुमार को। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की कौन सी बेटी राज्य की पहली मूक बधिर वकील बनी है? तो उस बेटी का नाम है ऑप्शन डी सौदामिनी और फरीदाबाद जिले से बिलोंग करती है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला हाई परफॉर्मेंस केंद्र बनाया जाएगा और इस केंद्र की स्थापना ऐसे लेना किसने किया? दोस्तों आपको भी कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।